एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर। सो आज के इस वीडियो में हम बी एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, और इससे पहले हमने नेशनल लेवल के एंट्रेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ, या फिर आपको आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ से आप बी एल एल बी या फिर बी बी एल एल बी कर सकते हैं और ट्वेल्थ के डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, इसमें हम एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन एलिजिबल है, उसके बारे में हम बहुत पहले ही डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एलएलबी या बीएलएलबी बीबीएलएलबी करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एज सच आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लॉ में करियर बनाने के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसे और भी वीडियोस आएगी लॉ से रिलेटेड। अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर कंप्लीटिंग एलएलबी और इंटीग्रेटेड एलएलबी, जो कि 5 साल का होता है। सो अब हम यहाँ पे टॉप एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। 5 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे ये कोर्स बीएलएलबी हो चाहे बीबीएलएलबी हो, ये दोनों ही आपके 5 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 साल आपका ग्रेजुएशन में जाता है, बाकी 3 साल आप लॉ पढ़ते हो, ठीक है। प्रॉपर 12th के बाद आप दे सकते हो एंट्रेंस, और कोई भी स्ट्रीम है चलेगा। लेकिन अगर आप बीएससीएलएलबी करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे साइंस स्ट्रीम रिक्वायर्ड होता है, ठीक। एंड मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे मैंने 50% रखा है। इसका मतलब ये कि आपके अगर 45% भी है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर रिजर्वेशन में आ रहे हो तो 40% है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये मैंने एक सेफ जोन के लिए 50% मेंशन किया। ओके, सो सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्जाम है जेएमआई का, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही कोर्स होता है लॉ में, बीएएलएलबी ऑनर्स। उसके लिए जो फॉर्म आता है अप्रैल मई के मंथ में आ जाएगा, एंड एग्जाम आपका जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा साल है। एंड फीस यहाँ पे है सेल्फ फिनेंस एंड गवर्नमेंट के लिए 10,400 पर ईयर, और अगर आपको सेल्फ फिनेंस सीट मिलती है तो 40,500 पर ईयर। सो फिर भी सेल्फ फिनेंस में भी आपकी फीस उतनी नहीं है जितनी क्लैट की होती है, नॉट क्लैट, एनएलयू की होती है, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन किया है, आपके ये 5 सेक्शंस हैं, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के, 2 घंटे आपको मिलेंगे ये एग्जामिनेशन देने के लिए। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स है 0.25। ऑफलाइन एग्जाम होगा और इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे हिंदी में आप एंट्रेंस नहीं दे सकते। एंड जितने भी यहाँ पे मैंने एंट्रेंस की बात करने की बात की है, सभी में आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, और हिंदी का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। स्लैट सिंबायसिस लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको स्लैट का एंट्रेंस देना होता है, यहाँ पे बीएलएलबी और बीबीएलएलबी कोर्स करवाया जाता है। 4 कैंपसेस हैं, ठीक है, नोएडा, पुणे, हैदराबाद एंड नागपुर। तो नोएडा एंड पुणे, ये 2 कैंपस काफ़ी बेटर है, उसके लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल में आता है, एग्जाम आपका मई में होता है, और फीस यहाँ पे है 4,15,000 पर ईयर, ठीक है। सो सेंटर्स यहाँ पे 76 सिटीज़ है, डिपेंड करेगा आपके प्रेफरेंस पे, जो भी चॉइस आप दोगे उसके अकॉर्डिंग, और सीट यहाँ पे 1,080 है। देन एग्जाम पैटर्न यहाँ पे है, आप इसे प्रॉपरली चेक कर सकते हो, और किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कितना आपको प्रिपेयर करना है। देखो, ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम में यही सारे सेक्शंस, यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वेटेज का बस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो ये टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, सिर्फ 1 घंटे का ये पेपर है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना है, देन आपका वैट, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, एंड देन पीआई पर्सनल इंटरव्यू। सो सिंबायसिस लॉ स्कूल भी वन ऑफ द प्रीमियर एंड बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट है। देन नेक्स्ट नंबर 3rd पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज CULEE। अब CULEE के थ्रू आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इसके भी डिफरेंट कैंपसेस हैं, दिल्ली, बैंगलोर एंड पुणे कैंपस है। इन तीनों कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हैं CULEE एंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद।
BA LLB के स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं उसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस स्टडी करना होता है मेजर सब्जेक्ट में, एंड BBA LLB में आपके अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो BBA LLB में स्टडी करना था। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। सो डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म मई में आता है और एग्ज़ाम आपका जून में होता है। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आप कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हो ठीक है, और यहाँ पे बैंगलोर कैंपस की बात करें तो वहाँ पे 1,18,000 पर ईयर फीस रहेगी कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अदर इंडियन स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 2,05,000 पर ईयर फीस रहेगी ठीक है, लेकिन ये बैंगलोर कैंपस की बात हो रही है। बाकी अदर जितने भी दिल्ली पुणे हैं 2,05,000 पर ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं और टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं 120 मार्क्स के। उसके बाद नंबर 4 पे है SAAT शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका ये पर्टिकुलर एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी किसी और एंट्रेंस के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पहले तो कोर्स देख ले, 3 साल का LLB यहाँ पे होता है जिसके लिए आप SAAT दे सकते हैं, BA LLB होता है, BBA LLB होता है। तो यहाँ पे क्लैट का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर आप LSAT दे सकते हैं। अगर आपने क्लैट या फिर LSAT दिया है तो आपको SAAT का एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेपरेट फॉर्म ज़रूर आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप अनुसंधान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पे 2 एंट्रेंस मैंने आपको बताई, लेकिन ये दोनों ही इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, लाइक BA LLB या फिर BBA LLB के लिए है। अगर आप 3 साल का LLB करना चाहते हो जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो उसके लिए आपको SAAT का एंट्रेंस देना ही होगा ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। और 3 फेसेस में ये एग्जाम्स होते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड LLB है 5 साल का, उसके लिए फीस है 75,000 ठीक है, ये पर सेमेस्टर है। एंड अगर आप 3 साल का LLB करते हैं तो उसके लिए 60,000 पर सेमेस्टर ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिटेल में है, इसे आप गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 रहेगी ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंग्लिश में आप एग्जाम दे सकते हैं 120 क्वेश्चंस में ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ एडमिशन लेना है आपको तो AMU का एक सेपरेट फॉर्म होता है जो AMU खुद कराती है। AMU के एंट्रेंस का फॉर्म जो है वो 5 मार्च में आता है, एग्ज़ाम मई में होता है। बाकी अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस बहुत कम होती है, डिपेंड करता है, बॉयज़ के लिए फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1,000, यहाँ पर मैंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, 12,000 बॉयज़ के लिए है, 11,000 गर्ल्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 1,000 के अप्रॉक्स और आपको यहाँ पे एड ऑन करना होता है, बाकी फीस इतने के आसपास ही रहेगी। तो ये 3 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑफलाइन एग्जाम है एंड इंग्लिश में आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी 3 ईयर LLB कोर्स के एंट्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इस चैनल पे। ऑलरेडी कुछ वीडियोस है, आप चाहो तो वो प्रेफर कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ प्लेलिस्ट का, जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात की गई है। अगर आप LLB कंप्लीट कर लेते हो तो कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं जिससे आप जुडिशियरी में अपना करियर बना सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं, जज बन सकते हैं एंड डिफरेंट लॉ फॉर्म्स में काम कर सकते हैं ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।